डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के हमने एक्सरसाइज 4.2 चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि सिद्ध करो ये सारणिक का मान इसके इक्वल आता है। सिद्ध करके दिखाना आपको, प्रो का क्वेश्चन है तो इसके एलएचएस लेके स्टार्ट करता हूं मैं। एलएचएस एलएचएस में है कि बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए बी सी। इस सारणी को जब आप सोल्व करोगे तो आपको मान इसके बराबर करके दिखाना। तो देखिए बेटा, सारणी को सोल्व करना के मतलब है संक्रियाओं का यूज करना है, और संक्रियाओं के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था कि क्या क्या संक्रिया आप लगा सकते हो। देखिए, आपका बेसिक टारगेट ये होना चाहिए कि आपको कहीं पर भी या तो पंक्ति में या फिर स्तंभ में एक 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 बनाना है। और एक 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 बनाने का मतलब है या तो ऊपर की तरफ इनकी सभी पंक्तियों को पहली पंक्ति में जोड़ दें, या सभी स्तंभों को पहले स्तंभों में जोड़ दें, फिर कुछ कॉमन निकाल लें, करके देखते हैं ऐसा कुछ काम हो जाए। तो देखिए, अगर मैं इनको इधर की तरफ जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, बी प्लस बी, ए प्लस ए और सी, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस c। इधर जोड़े तो 2b प्लस 2c प्लस a, और इधर जोड़े तो वही बन रहा है, अलग अलग बन रहा है। हम इनको ऊपर की तरफ जोड़े तो देखिए 2a 2b 2c, 2a 2b 2c और abc, a प्लस b प्लस c, दो को a प्लस b प्लस c को मैं निकाल लेंगे। तो यही काम करते हैं कि r1 में इसकी संक्रिया लगा देता हूं, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऊपर की तरफ जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, या फिर आप इतना बड़ा नया लिख के डायरेक्ट आप इसे लिख दीजिए। क्या लिखोगे कि भाई इनको ऊपर की तरफ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C, तो दो को कॉमन निकाल लूं तो A प्लस B प्लस C। इनको जोड़ेंगे दो ए दो बी दो सी, तो वही बात है, दो कॉमन निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यहां जाएगा सी प्लस ए, बी प्लस सी, बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए और सी। अब इसमें से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन पूरी से निकाल लेता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी पूरे से कॉमन निकालेंगे तो बचा दो दो एक, c प्लस ए, b प्लस सी, बी, a प्लस बी, c प्लस ए और c। ओके, अब अपने दो 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 और एक बनाए। अब इनकी सहायता से जीरो बना लेता हूं। देखिए बहुत आसान बन जाएगा अब जीरो बनाना। कैसे लगाएं कि C1 में संक्रिया लगा देता हूं कि C1 माइनस C2, दो में से दो जाएगा, क्या बन जाएगा, जीरो। और उसी प्रकार से C2 में संक्रिया लगा देता हूं कि C2 माइनस 2C3, C2 माइनस, इसको दो से गुणा करके घटाऊंगा तो ही तो जीरो बनेगा, क्योंकि एक दूरी दो, दो में से दो जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो, यानी कि 2C3। तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसे कैसे, यहाँ सी वन माइनस सी टू, दो माइनस दो, जीरो। इनको ध्यान से देखना कि C प्लस ए में से घटा रहे किसको, B, और फिर माइनस का C, माइनस C से प्लस का C कैंसिल, तो यहाँ बच गया A माइनस B। यहाँ से A प्लस B में से घटा रहे C A, और A से A कैंसिल, तो बच गया B माइनस C। अब C2 में संकेत लगा रहा हूं 2C3, यानी कि दो में से एक दूनी दो, दो में से दो गया तो क्या बचा, जीरो। यहां पर B प्लस C में से घटाएंगे इसको दो से गुणा करके, यानी कि दो B से, तो एक B से एक B कट जाएगा, C माइनस B बचेगा, तो C माइनस B। अच्छा, C प्लस A में से घटाएंगे किसको, 2C को, तो बचेगा A माइनस C, तो यह हो गया a माइनस सी, आगे 1 बी सी। ओके, अब इसका प्रसार कर देता हूं तो a प्लस बी प्लस सी,
प्रसार करेंगे जीरो माइनस जीरो प्लस का ए, इसके सापेक्ष पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो बचेगा ए माइनस बी सी माइनस बी, बी माइनस सी ए माइनस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू, देखिए जीरो जीरो कैंसिल आउट, एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इससे गुणा कर देते हैं तो ए माइनस बी गुणा में ए माइनस सी, बीच में माइनस का सिंबल, बी माइनस सी गुणा में सी माइनस बी। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी इनको गुणा कर लेते हैं, ए को ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी और प्लस बी सी माइनस, बी को सी से करेंगे तो बी सी आएगा, इस माइनस का कारण हो गया माइनस का बी सी, बी को बी से करेंगे तो बी गुणा बी माइनस का बी स्क्वायर, लेकिन इस भार वाले माइनस के कारण किसका हो गया प्लस का बी स्क्वायर। अब सी से करेंगे, सी को सी से करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर, लेकिन भार वाले के कारण हो गया प्लस का सी स्क्वायर, और सी को बी से करेंगे तो बी सी प्लस का, लेकिन इसके कारण हो गया माइनस का बी सी। अब देखिए माइनस बी सी से ये प्लस का बी सी कैंसिल आउट हो रहा है, तो अब आपका बचा है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा कि ये डायरेक्ट एक सूत्र होता है, नाइन्थ क्लास में पढ़ाया गया था आपको कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, किसका सूत्र होता है बेटा ये आपका डायरेक्ट सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और यही है अपनी RHS। इसका मतलब हो गया LHS equal to RHS and screw। इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं ओमेगा है, ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 का मान ज्ञात कीजिए। इनकी ये जो ओमेगा है ये इकाई का क्या है, घनमूल। आपको सिखाया गया था बेटा ओमेगा के बारे में कि ओमेगा इकाई का घनमूल होता है, और क्या क्या रूल सिखाए गए थे वहां पर आपको कि एक तो आपका ओमेगा की पावर 3 इसका मान कितना होता है 1 होता है, और एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका मान कितना होता है 0 होता है। बातों को ध्यान रखा करो हमेशा कि ओमेगा क्यूब का मान तो 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है 0। आपको तो इस सारणी के मान को सोल्व करना है, सॉल्यूशन करते हैं इसका कि आपको सोल्व करना है इस सारणी को 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये है मान जो आपको सोल्व करना बेटा। यहां से मैं ये तो कर सकता हूं ना, जो कि ओमेगा क्यूब के बराबर कितना होता है 1 होता है, यहां पर रख सकता हूं मैं इसमें कि 1 ओमेगा क्यूब का मान कितना 1 और ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब 1 1 और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। अब इसमें दो जीरो बढ़ गए तो बना लेते हैं कि R1 में संक्रिया लगा देता हूं R1 माइनस R2, तो R1 में से R2 हटाएंगे, एक में से गया जीरो एक में से गया जीरो, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये 1 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और। अब हम इसका कर देते हैं प्रसार करने पर, प्रसार करोगे
तो जीरो माइनस जीरो प्लस का एक, सॉरी प्लस का ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और इसके लिए उपसारण क्या रहेगा, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, तो वन वन ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इनको गुणा करेंगे वन को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा, माइनस वन को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, गुणा करो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ओमेगा की पावर चार, अब माइनस ओमेगा को प्लस ओमेगा से करेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा को ओमेगा क्यूब से करेंगे तो प्लस का ओमेगा क्यूब, क्योंकि वन इंटू टू, ओमेगा क्यूब का मान वन, माइनस इस ओमेगा की पावर चार को ले सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसका मान भी कितना वन, ओमेगा क्यूब का मान वन, वन प्लस वन ये हो गया अपने पास में टू, माइनस ओमेगा क्यूब का मान वन इंटू ओमेगा और माइनस में ओमेगा स्क्वायर, टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये करते हैं टू माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और अब देखिए चूंकि आपको पता होता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है जीरो, और इसलिए मैं यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकालूं तो ये एक उधर जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा माइनस एक के बराबर हो जाएगा, तो यही मान यहां पुट कर देता हूं कि दो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना है माइनस का एक, तो दो माइनस माइनस प्लस का एक, दो और एक कितना हो गया तीन, तो इसका आंसर हो जाता है अपने लिए तीन।